मैं आरसीएस गार्ड ऑफ पोकेमोन, मैंने काफी सारी दुनियाओं को बनते और तबाह होते हुए देखा है। मैंने अच्छाई को भी हारते हुए देखा है। मैंने काफी कहानियों की शुरुआत और अंत होते हुए देखा है। ज्यादातर कहानियों के अंत शांति के साथ होते हैं, पर कुछ का अंत तबाही के साथ होता है, और ये कहानी है अंत की शुरुआत की। क्या ये हिस्सा न्यू के शरीर का है? शायद। चलो जल्दी से इसे रिसर्च लैब ले चलते हैं। अगर ये वाकई म्यू के शरीर का हिस्सा है तो हम सबसे शक्तिशाली पोकेमोन बना सकते हैं। मैं कौन हूँ? तुम म्यूटू हो। तुम्हें इस दुनिया की रक्षा के लिए बनाया गया है। क्या म्यूटू हमारी पकड़ में आ चुका है? यह है साइरस, टीम गैलेक्टिक का लीडर, और लगता है कोई बड़ी प्लानिंग हो रही है। हाँ लॉर्ड साइरस, म्यूटू हमारी रिसर्च लैब में है। यह है साइरस की चमची मार्स, नाम बहुत अजीब है ना? जेरॉन, म्यूटू पर अनप्योरिफाइड क्रिस्टल का इस्तेमाल करो। अनप्योरिफाइड क्रिस्टल? ये एक ऐसा क्रिस्टल है जिसकी मदद से हम एक पोकेमोन को उसकी डार्क फॉर्म में ले जा सकते हैं। पॉसम, डायरेक्टली अनप्योरिफाइड क्रिस्टल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमारी मशीनें तबाह हो जाएंगी। हम डार्क राय का इस्तेमाल कर सकते हैं। तुमने सुना जेरॉन? ठीक है बॉस। म्यूटू, मुझे ऐसी दुनिया चाहिए जिसमें कोई लड़ाई ना हो। मैं किसी का गुलाम नहीं। अब मैं और भी ज्यादा ताकतवर बन चुका हूँ। तो ये क्रिस्टल तुम्हारे पास है, इसको मुझे लौटा दो। क्यों, आजमाना चाहोगे मुझे? तो तुम्हें भी लाना आता है। दुनिया के सारे ट्रेनर्स ने मिलके म्यूटू के साथ लड़ाई करी, लेकिन म्यूटू से कोई भी नहीं जीत पा रहा था। इंसानों ने कोशिश की, लेकिन म्यूटू के गुस्से से कोई नहीं बच पाया। तुम मुझे देख सकते हो। आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए पोकेमोन।